have you ever felt? Are you listening? Damn. टूर और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाचे 200 सीसी की। चलिए शुरू करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से। इसमें आपको 197 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वॉल एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। इसमें आपको FI इंजन मिलता है विद E20 पेट्रोल अपडेटेड के साथ पे। 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, पहला स्पोर्ट्स रहेगा, दूसरा रेन और तीसरा अर्बन। इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे, राइडिंग कंडीशन के हिसाब से आप मोड यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इंजन पावर की। इसमें आपको 20.82 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है जो कि 17.25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करेंगे इसके टायर्स की। टायर्स फ्रंट में आपको 90/90 R17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है विद 17 इंच अलॉय व्हील के साथ में। रियर में आपको 130/70 R17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है विद 17 इंच अलॉय व्हील के साथ में। रियर में आपको रेडियल टायर मिलते हैं जो कि आपको कॉर्नरिंग में काफी हेल्प करते हैं। ब्रेकिंग के मामले में काफी अच्छी है क्योंकि ड्यूल चैनल एबीएस में बाइक आ रही है। फ्रंट में आपको 270 mm का डिस्क मिलता है और रियर में 240 mm का, और ड्यूल चैनल एबीएस है इसलिए आपको सेफ्टी ज्यादा है इसमें। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इसमें आपको शावा के सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विद प्रोटेक्शन के साथ में। रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके लुक्स की। आपको इसमें यूनिक ग्राफिक डिजाइन मिल जाता है विद टीवीएस अपाचे ब्रांडिंग के साथ में। और फ्रंट लुक से बात करेंगे, फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है विद हैलोजन इंडिकेटर के साथ में। फ्रंट से काफी प्रीमियम दिखती है बाइक। और हम फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो आपको 12 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है विद E20 बैजिंग के साथ में। और इसका माइलेज आपको अराउंड 35-40 आपको माइलेज मिलेगा डिपेंड अपॉन योर राइडिंग स्किल के हिसाब से। अब रियर लुक्स की बात करेंगे तो रियर में आपको एलईडी टेल लैंप मिलती है साथ में हैलोजन इंडिकेटर के साथ में। इसमें आपको 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है। कर्व वेट की बात करेंगे तो 152 kg का इसका कर्व वेट आता है। इसमें आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिल जाते हैं, और साइड स्टैंड आपको सेंसर के साथ मिलेगा अगर आप साइड स्टैंड सेंसर के साथ में आती है। और ये रहने से क्या होता है, आपको साइड स्टैंड रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सेफ्टी फ्यूचर है आपको। इनिशियली पिकअप एंड परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा मिलेगा। टॉप स्पीड आपको अपटू 145 तक जाएगी है, और आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफी अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस। इंजन ऑयल इसमें आप 1.2 लीटर डाल सकते हैं 1200 ml का। और माइलेज की बात करेंगे तो 35-40 तक भी माइलेज आपको देगी डिपेंड अपॉन योर राइडिंग स्टाइल के हिसाब से। इसमें 5 स्पीड आपको गियर बॉक्स मिलता है। इनिशियल पिकअप इसका काफी अच्छा है, इसका इनिशियली पिकअप एंड परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा मिलेगा। और टॉप स्पीड आपको अपटू 145 तक जाएगी है, और आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफी अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस। इंजन ऑयल इसमें आप 1.2 लीटर डाल सकते हैं 1200 ml का। और माइलेज की बात करेंगे तो 35-40 तक भी माइलेज आपको देगी डिपेंड अपॉन योर राइडिंग स्टाइल के हिसाब से। और इसमें 5 स्पीड आपको गियर बॉक्स मिलता है। बात करते हैं इसके की फीचर्स की। LED हेडलाइट्स, USB चार्जिंग पोर्ट, स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल मीटर, राइडिंग मोड्स, स्लीपर क्लच काफी अच्छा फीचर है, आपको कॉर्नरिंग में काफी मदद मिलती है। और इसमें गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ होती है, और ड्यूल चैनल ABS ये भी काफी सेफ्टी फीचर है, आपको गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगी ABS से। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अभी मैं बात कर रहा हूँ हुबली कर्नाटक का, और प्राइस डिफरेंट रहेगा आपके स्टेट और सिटी से, तो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट रहेगा प्राइस, और सिटी के हिसाब से डिफरेंट रहेगा। अभी मैं हुबली कर्नाटक का प्राइस बताता हूँ। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,43,970, और ऑन रोड प्राइस है 1,89,950।